हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विभिन्न केंद्रों पर 3 रणनीतिक अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने 2025 तक निर्धारित महत्वाकांक्षी प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए गगनयान मिशन के पहले 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से घोषणा की गई। चयनित 4 अंतरिक्ष यात्री के नाम हैं: 1. ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, 2. ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, 3. ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और 4. विंग कमांडर सुभांशु शुक्ला। उन्हें अंतरिक्ष में भारत के पहले चालक दल मिशन पर अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए चुना गया है। इसरो और ग्लोबकॉस्मोस, जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस की सहायक कंपनी है, ने जून 2019 में 4 अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक रूस के यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण लिया है। गगनयान मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत 2 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निम्न कक्षा में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी आज एक ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं हैं। ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। आइए जानते हैं कि क्या है गगनयान मिशन। ये भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ समय के लिए निम्न कक्षा में अंतरिक्ष ले जाया जाएगा। गगनयान मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत 2 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निम्न कक्षा में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 2 से 3 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद उन्हें सुरक्षित वापस हिंद महासागर में समुद्र के भीतर उतारा जाएगा। इसके तहत यह वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है और मिशन से जुड़ी कई परीक्षण उड़ानें इस वर्ष पूरी कर ली जाएंगी। गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत लगभग 9023 करोड़ रुपये है। GSLVMK3, जिसे LVM3 के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग गगनयान मिशन में प्रक्षेपण यान के रूप में किया जाएगा। मानव सुरक्षा की मांग को पूरा करने के लिए पुनः कॉन्फिगर करने के बाद इस प्रक्षेपण यान का नाम बदलकर ह्यूमन रेटेड LVM3 कर दिया गया है। गगनयान मिशन के उद्देश्यों की बात करें तो मिशन का उद्देश्य मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। यह मिशन देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी करियर को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा। अब समझते हैं कि गगनयान अंतरिक्ष यान के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं। ऑर्बिटल मॉड्यूल, गगनयान मिशन का केंद्रीय केंद्र। ऑर्बिटल मॉड्यूल, जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, इसमें क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल होंगे। OM उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम से सुसज्जित होगा। सेवा मॉड्यूल, इसमें प्रणोदन प्रणाली, थर्मल सिस्टम, पावर सिस्टम, एवियोनिक्स सिस्टम और तैनाती तंत्र शामिल हैं, जिसका उद्देश्य कक्षा में रहते हुए क्रू मॉड्यूल को आवश्यक सहायता प्रदान करना है। क्रू मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल में क्रू के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वातावरण होगा। इसमें क्रू इंटरफेस, मानव केंद्रित उत्पाद, जीवन समर्थन प्रणाली, एवियोनिक्स और डिसेलरेशन सिस्टम शामिल होंगे। वहीं गगनयान मिशन के संभावित लाभ की बात करें तो यह मिशन छात्रों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करके देश में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। गगनयान मिशन भविष्य में वैज्ञानिक मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण तकनीक विकसित करने में मदद करेगा। मिशन के लिए आवश्यक अधिकांश घटकों और प्रौद्योगिकी को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिससे निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मिशन की सफलता निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। गगनयान मिशन भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज़्यादा महत्वपूर्ण न हो, लेकिन इसकी सफलता हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए मनोबल बढ़ाने वाली हो सकती है। मिशन की सफलता से देश में अंतरिक्ष पर्यटन क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।